हाई एवरी वन वेलकम टू कैलकुलस विद आई जे तो हमारी सीरीज़ ऑफ़ फाइव चल रही है जिसमें हम पाँच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सीरीज़ फॉलो करते रहो और उससे यू विल श्योरली गेट हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन यूर बोर्ड एग्जाम्स तो आज का हमारा टॉपिक है ए में से मैक्सिमा मिनिमा के टू मार्कर्स क्वेश्चंस तो इस क्वेश्चंस में एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे तो लेट अस स्टार्ट विद आर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स कॉज एक्स प्लस एक्स इन द क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू जब भी हमें क्लोज इंटरवल गिवन हो और क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा वो एप्सल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होता है एप्सल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे नॉर्मल सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट में हम करते हैं कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालते हैं जिनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव से चेक करते हैं बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स तक करना होता है जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं चाहे वो एक हो दो हो तीन हो कितने भी पॉइंट्स हो तो एफेक्ट्स में उनको पुट करना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स को और साथ में जो क्लोज इन गिवन होगी उसके एंड पॉइंट्स को उसमें पुट करना होगा तो उन सारी वैल्यूज़ को चेक करना है जिसमें से सबसे ज़्यादा मिनिमम आएगी वो एप्सल्यूट मैक् मिनिमम होती है और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो एप्सल्यूट मैक्सिमम होगी तो वेन एवर क्लोज इन टॉवल इज गिवन मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में तो वो हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालते हैं एफ डैश एक्स होगा माइनस टू साइन एक्स प्लस वन अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस टू साइन एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा साइन एक्स की वैल्यू हो गई वन बाय टू तो एक्स हो गया क्योंकि साइन एक्स वन बाय टू होता है थर्टी डिग्री पे विच इज़ पाई बाय सिक्स तो ये हो गया पाई बाय सिक्स अब पाई बाय सिक्स देखो इस क्लोज इन टवल में तो लाई करता है तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आया एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स प्लस हमारे पास ये दो एंड पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट्स को हमें एफ एक्स में पुट करके देखना है जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो लीस्ट वैल्यू होगी तो सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करके देखते हैं तो टू कॉस ज़ीरो प्लस जीरो कॉस ज़ीरो वन होता है तो ये आ गया टू अब हम पाई बाय सिक्स पुट करके देखेंगे पाई बाय सिक्स मतलब टू कॉस पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय सिक्स कॉज पाई बाय सिक्स इज कॉस थर्टी डिग्री विच इज़ रूट थ्री बाय टू तो टू रूट थ्री बाय टू हो जाएगा टू एंड टू कैंसिल हो जाएगा प्लस पाई बाय सिक्स को कैसे चेक करें थर्टी डिग्री से नहीं करना क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं पाई को ट्वेंटी टू बाय सेवन पुट करेंगे तो ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू आएगा रूट थ्री की वैल्यू एग्जैक्ट तो निकालने की जरूरत नहीं है रूट थ्री अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट सेवन थ्री टू होता है तो वन पॉइंट सेवन ले लेते हैं और ये ट्वेंटी टू अपॉन फोर्टी टू है ना मतलब समझ लो ट्वेंटी अपॉन फोर्टी अगर होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो पॉइंट फाइव आएगा विच इज़ इक्वल टू टू पॉइंट टू ये वैल्यू आ रही है अब हम इसमें पाई बाय सिक्स तो पुट कर लिया पाई बाय टू पुट करके देखेंगे जब पाई बाय टू पुट करेंगे तो ये टू कॉज पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू टू कॉज पाई बाय टू कॉज पाई बाय टू इज ज़ीरो तो ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे पाई को ट्वेंटी टू बाई सेवन पुट करेंगे तो ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू टू आएगा ट्वेंटी टू को जब फोर्टीन से डिवाइड करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव आएगा तो अब हमारी तीन वैल्यूज़ आ गई एक टू है एक टू पॉइंट टू है और एक अप्रॉक्सीमेट वन पॉइंट फाइव है तो इसमें से हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है लीस्ट वैल्यू इज़ वन पॉइंट फाइव कौन सी वैल्यू पे आई है पाई बाय टू पे और लीस्ट वैल्यू क्या आई है ये टर्म तो देखो जीरो हो गई थी फर्स्ट टर्म जीरो और दूसरी थी पाई बाय टू तो आंसर में हमें ट्वेंटी टू बाई फोर्टीन या वन पॉइंट फाइव नहीं लिखना है ये पाई बाय टू ही लिखना है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू आई है सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन होल टू पार वन बाय थ्री फिर से ये ऐसे गिवन है ये क्लोज इन टर्वल है क्लोज इंटर्वल ये मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम इनिमा का ही क्वेश्चन होगा तो इसको हम ले लेते हैं वाई वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन पार वन थ्री तो अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रेस टू पावर वन बाय थ्री जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे वन बाय थ्री आ गया आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रेस टू पावर वन बाय थ्री माइनस वन विच इज माइनस टू बाय थ्री इंटू डेरीवेटिव ऑफ ये वाली टर्म भी होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग जो कि आ गया टू एक्स माइनस वन क्योंकि एक्स स्क्वायर का टू एक्स एक्स का वन एंड वन का ज़ीरो अब देखो ऊपर तो आया टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रेज टू पार टू 3। थ्री अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो सिर्फ टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं या समझ लो इसको उस साइड ले गए तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ देट मीन्स इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है एक्स इज इक्वल टू हाफ अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कौन कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे एक तो हम चेक करेंगे वाई की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाई की निकालनी है नॉट डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो जब हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ से चेक कर लो तो जीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन तो वन रेस टू पावर वन बाय थ्री हो गया विच इज़ वन ओनली अब y की वैल्यू हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू हाफ पे किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो तो ये हो जाएगा इसमें मैं पुट कर रही हूँ अब हाफ इंटू हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ प्लस वन रेस टू पार वन बाय थ्री तो ये माइनस वन बाय फोर प्लस वन हो जाएगा रेस टू पावर वन बाय थ्री विच इज़ इक्वल टू थ्री बाय फोर रेज टू पार वन बाय थ्री थ्री बाय फोर होता है अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट अप्रोक्सीमेटली नहीं मतलब जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो उसका जो रूट आता है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट नाइन आता है तो ये वैल्यू आई जीरो पॉइंट नाइन अभी तक हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं तो एक्स इज़ टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन जो है वो ज़्यादा आ रही है अब हम y की वैल्यू निकालेंगे x इज़ टू वन पे जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना क्लोज इंटरवल के लेस देन और इक्वल टू है दिस मीन्स क्लोज इंटरवल ओनली तो जीरो पे वन पे और क्रिटिकल पॉइंट पे निकालने होते हैं एप्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में और कैसे पता चलता है एप्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है जब भी क्लोज इंटरवल गिवन हो हमें तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे ये टर्म वन माइनस वन प्लस वन तो यहाँ पे जब पुट करेंगे या यहाँ पे वन माइनस वन कट जाएगा वन रेज टू पावर वन बाई थ्री तो ये होगा वन तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है वन दो पॉइंट्स पे आ रही है जीरो पे वन पे पॉइंट्स नहीं पूछे हुए तो पॉइंट्स नहीं बताएंगे या फिर बता सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन बट हमें पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू जो हमने बता दी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी x इज uh, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज वन अब है नेक्स्ट क्वेश्चन शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल से हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे उसका डेरिवेटिव क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या करना होता है पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं उससे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो पहले यही काम करते हैं क्वेश्चन रूल लगेगा डेरिवेटिव के लिए डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इससे हो जाएगा log x इज इक्वल टू वन वन होता है क्योंकि देखो यहाँ log है तो यहाँ पे भी हमें log चाहिए वन होता है log e. Log e की वैल्यू इज़ वन तो x की वैल्यू आ गई e. तो इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है हमें अब चेक करना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वो कैसे करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके देखेंगे अगर वो लेस देन ज़ीरो आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू है तो सबसे पहले यहाँ से देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इन टू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन अपॉन एक्स फिर माइनस साइन फिर न्यूमरेटर लिखेंगे फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ टू एक्स और नीचे एक्स uh, स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ एक्स रेस टू पावर फोर एक्स स्क्र इंटू माइनस वन बाय एक्स आ गया विच इज़ माइनस एक्स माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्सरेज टू पार फोर तो यह हो गया माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्सरेज टू पार फोर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्सरेज टू पार फोर एक एक्स कट रहा है न्यूमरेटर से एक एक्स लेंगे और डिनोमिनेटर से भी एक्स लेंगे तो एक एक्स कट जाएगा नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब अब हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए मतलब चेक करना है मैक्सिमम है या नहीं तो इसमें एक्स को e पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू लॉग ई अपॉन ई क्यूब तो ये हो जाएगा लॉग e होता है वन माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन अपॉन ई क्यूब ई क्यूब तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती मतलब e वाली कोई भी टर्म हो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया लेस देन जीरो देयरफोर एफ डबल डैश जो है लेस देन जीरो आया तो एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई यही प्रूफ करना था अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो वो एफेक्ट्स में पुट करके निकालोगे अब है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉजेक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें ये मेथड फॉलो करना है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर से स्टार्ट करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन और ये फॉर्मूला हो गया साइन टू एक्स का अब देखो साइन टू एक्स जो होता है उसकी वैल्यू साइन हमेशा माइनस वन एंड वन के बीच में लाया करता है चाहे वो साइन टू एक्स हो चाहे वो साइन एक्स हो चाहे वो साइन फाइव एक्स हो साइन हंड्रेड एक्स हो कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस वन एंड वन के बीच में लाई करती है तो साइन टू एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन हमें ये वाली फॉर्म लानी है तो सब साइड वन एड करेंगे वन प्लस साइन टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वन प्लस वन तो ये हो गया ज़ीरो लेस देन और इक्वल टू ये हो गया टू और ये वन प्लस साइन टू एक्स वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायेयर की पर हमें तो वैल्यू चाहिए साइन एक्स प्लस कॉज एक्स की तो हम स्क्वायर रूट लेंगे हर एक टर्म का लेंगे जीरो लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स लेस देन और इक्वल टू रूट टू आएगा तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इन दो वैल्यूज के बीच में लाइक करता है दिस इज मिनिमम वैल्यू दिस इज मैक्सिमम वैल्यू तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू रूट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी आ सकता है वन मार्कर टू मार्कर्स में भी आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज गिवन दैट एट एक्स इज इक्वल वन दिस फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम किस पे चेक करते हैं हम हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे ही तो चेक करते हैं अब देखो इंटरवल जीरो टू टू है तो जीरो टू टू एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल्स फिर से एब्सोल्यूट मैक्मम मिनिमा टाइप क्वेश्चन है बट क्योंकि x इज इक्वल टू वन पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट मीन्स x इज इक्वल टू वन इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो आती है या तो क्रिटिकल पॉइंट पे आती है या इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे आती है तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे तो नहीं आ रही वन पे आ रही है दैट मीन्स वो क्रिटिकल पॉइंट होगा जो हम सॉल्व करके निकालेंगे तो सबसे पहले हम f डैश एक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस वन ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ए नाइन हो जाएगा जीरो सिंस एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू वन डेर फोर एक्स इज इक्वल टू वन इज द क्रिटिकल पॉइंट अगर ये क्रिटिकल पॉइंट होगा हम क्या करते हैं जब हम एफ डैश एक्स जैसे हमारा मेथड क्या होता है सम को सॉल्व करने का अगर एफ एक्स गिवन होता है तो उससे हम एफ डैश एक्स निकालते हैं जीरो तो एक्स इज इक्ल टू वन आता है दैट मीन्स उससे एक्स इज़ इक्वल टू वन आया इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से तो अगर एक्स इज इक्वल टू वन क्रिटिकल पॉइंट होगा तो एफ डैश वन जो होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि इसी से x की वैल्यू वन आई है ना तो वन से ये ज़ीरो होगा दैट मीन्स एफ टैच एक्स मतलब फोर यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट करेंगे माइनस ट्वेंटी फोर इंटू वन प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो फोर माइनस वन ट्वेंटी फोर हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी प्लस ए इज ज़ीरो तो ए की वैल्यू आ गई वन ट्वेंटी तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ए की वैल्यू जो कि वन ट्वेंटी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है कवर हो गए और मैक्सिमा मिनिमा के टू मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो गए तो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज़ ये सारे वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे और भी आते रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस तो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचिंग